एवरीवन, वेलकम टू राजपूत क्लास। मैं मित्र सुधा सिंह आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट को डिस्कस कर रहा था, उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम ब्लड पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, उसी में हम आगे आज डिस्कस करते हैं WBCS के बारे में। ठीक है, WBCS के बारे में आसो नदी ल्यूकोसाइड्स, आसो नदी ल्यूकोसाइड्स, इनका निधन क्या है? ल्यूकोसाइड्स का है। WBCS मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स आर सेल्स। ठीक, पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम इनके नंबर की बात करें तो नंबर की, तो इनका नंबर जो जनरली होता है वह 5000 to 10000 पर मीवर इन ब्लड होता है, पर मीवर ब्लड होता है। ठीक, पर मीवर ब्लड होता है, दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं 1 मीवर ब्लड यानी माइक्रोलीटर ब्लड की, तो इनका नंबर कितना होगा? इनका नंबर 5000 to 10000 होता है। अगर हम इनके लाइफ स्पॉन की बात करते हैं, तो इनमें वेरियस काइंड ऑफ सेल होता है, जिसके आधार पर वेरियस काइंड ऑफ लाइफ स्पॉन होता है, फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। ओके, टू डेज, इनका लाइफ स्पॉन कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होता है। ओके, एक यहाँ पर हम पॉइंट देखते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार RBCS पढ़ा, तो RBCS का जो लाइफ स्पॉन होता है, इन केस ऑफ RBCS ये कितना होता है? ये 120 डेज, और यू कैन से 4 मंथ। RBC का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डेज या 4 मंथ, एंड WBCS का लाइफ साइकिल फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज तक होता है। WBCS के कई कैटेगराइज हैं, इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये टू कैटेगरी में कॉल करते हैं। वन इज दी ग्रेनुलर एंड ल्यूकोसाइड, में हम इसको एल से डिनोट करेंगे, that means granular leukocytes, another part is the agranular leukocyte, you can here say granular, that means granule present, and agranular means, a means absent and granular means granules are absent, that means granular leukocytes are those leukocytes in which granules are present. In case of agranular leukocyte, that the granules are absent. Okay, inko hum further categorize karte hain. Granular type leukocyte three types ke hote hain. One is the neutrophils, another is the basophile, and next the eosinophiles. यहाँ पर हमें इनके कलर के बारे में बात करें, तो न्यूट्रोफाइल होता है वह फिर एलोइन कलर होता है, बेसोफाइल की बात करें तो यह ब्लू पर्पल कलर का होता है, एंड यूसिनोफाइल की बात करें तो यह रेड ऑरेंज कलर होता है, इनके साथ एग्रेनुलोसाइट, इनको भी हम उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है क्या? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कंप्राइजेस टी सेल, बी सेल एंड टी एन के सेल। एन के मीन्स नेचुरल एंड के मीन्स किलर सेल। अनदर टाइप इज दी मोनोसाइट्स। ओके, यहाँ पर हम न्यूट्रोफाइल्स की बात करें तो इसको आल्सो नोन एज दी पीएमएनएस सेल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल।
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। ओके, फर्दर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले हम इनके फंक्शन के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लेट मीन इनका मेन एंड ओनली फंक्शन होता है फैगोसाइटो। इनका मेजर एंड फाइनली फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। लेट मीन फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक टू गल्फ वेरियस फॉरेन डिजीज और एलिमेंट और डिजीज का ही एलिमेंट और यू कैन से एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं किसकी। फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके कलर के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनके टोटल कंप्राइज़ टोटल परसेंटेज की, टोटल परसेंट काफी, तो 60-70% ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी का ही पार्ट होता है। जनरली इनके डायमीटर के बारे में बात करें तो इनका डायमीटर जो होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इनका डायमीटर 10 to 12 mm होता है। नेक्स्ट अगर हम इनके न्यूक्लियस की बात करें तो इनके न्यूक्लियस होता है लोब्ड होता है, जनरली 2 to 5 लोब प्रेजेंट होते हैं, 2 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है जो कि अटैच होते हैं एक थिन स्ट्रैंड से, अटैच विद अ थिन स्ट्रैंड जो कि एक थिन स्ट्रैंड जो कि क्रोमेटिन या न्यूक्लियर पार्ट जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रैंड होता है जिससे कि ये अटैच होते हैं। फाइनली अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो जैसा कि हमने जनरल फंक्शन बताया कि फैगोसाइटोसिस, उनका भी जनरल फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। इनका फंक्शन क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस क्या होता है? एक एग्जांपल से आप समझते हैं। दैट मींस ये कोई सेल है, ओके, जनरल कोई सेल है, यहाँ पर कोई फॉरेन बॉडी इंटर की, यहाँ पे कई सारे फॉरेन बॉडी इंटर किए, तो इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि इन सेल को इनगल्फ कर देना। ओके, ऐसे इन सेल को क्या करना है? इनगल्फ कर देना। कैन सी एंड फाइनली व्हाट? फाइनली तो ये सेल ने इस फॉरेन बॉडी को क्या किया? इनगल्फ कर दिया, क्रिएट कर दिया। इससे ही हम इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं? हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस में किसका फैगोसाइटोसिस करते हैं? तो ये बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, वायरसेस का फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, एंड कुछ कॉम्प्लेक्सेस सच एज दी परऑक्साइड जो कि हमारे बॉडी को हार्म प्रोसेस करते हैं, परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऐसे जितने भी केमिकल हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं उनको या क्या कहते हैं? इनका भी या क्या कहते हैं? इनका भी या फैगोसाइटोसिस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स की, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल आता है इओसिनोफाइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल क्या आता है? इओसिनोफाइल। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो इनका जो टोटल परसेंटेज होता है, इनका जो टोटल अमाउंट होता है वह 2-4% होता है। कितना परसेंट होता है? 2-4। दैट मींस इन टोटल WBCS 60-70% न्यूट्रोफाइल प्रेजेंट होता है एंड 2-4% इओसिनोफाइल प्रेजेंट होता है। इनके भी अगर हम डायमीटर की बात करें, इस सेल के डायमीटर के बारे में बात करें तो इनका डायमीटर कितना होता है? इनका डायमीटर भी 10-12 माइक्रोमीटर होता है। दैट मींस ऑलमोस्ट ये दोनों सेल क्या होते हैं? सेम होते हैं। इनके न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो इनका न्यूक्लियस जो होता है वह भी 2-5 लोब होता है ना, 2-5 लोब न्यूक्लियस होता है जो कि अगेन किससे अटैच होंगे? अगेन एक थिन स्ट्रैंड से अटैच होते हैं। किससे? थिन स्ट्रैंड से अटैच होते हैं।
लिस्टिंग स्टैंड से हटे हुए। अटैच विद पिन स्टैंड। बट यहाँ पे एक डिफरेंट है क्या, जैसे हमने देखा 2 to 5, दैट मींस इन सब केसेस जनरली 5 लोग होते हैं, तो मोस्टली कितने होते हैं, मोस्टली 2 लोग ही होते हैं। ओके, इनमें अगर जैसे कि हमने कैटेगराइज किया तो इनको किसमें, ग्रेनुलर टाइप में हमने इनको कैटेगराइज किया था, ग्रेनुलर देखो साठ में कैटेगराइज किया था। तो एसिनोफिल में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एसिनोफिल्स में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या थिक होते हैं या थिक लार्ज, देन यहाँ पर जो ग्रेन्यूल प्रेजेंट है वह इन कंपेरिजन टू अदर सेल लार्ज होते हैं, थिक भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शन के बारे में बात करें, इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो बढ़ा लेते हैं, तो इनका जनरल फंक्शन क्या होता था, हमने जनरल फंक्शन फैगोसाइटोसिन नेचर होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो यह किससे कहते हैं, यह एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक फंक्शन, एलर्जिक जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं उससे या हेल्प करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स में या हेल्प करते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्स को होस्ट करने में हेल्प करते हैं। और फैगोसाइटोसिस नेचर जो हमने बताया था, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी का, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, यहाँ पर एक आप इनका ओवरव्यू समझिए। दैट मीन्स कुछ सेल होते हैं, सम सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। सपोज मैं एक एग्जांपल ब्लड ग्रुप का देता हूँ, क्या यूरोपियन से ए, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। ओके, दैट मीन्स इसमें ए एंटीजन होता है, ए एंटीजन होता है, एंड इसमें बी एंटीबॉडी होता है, बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हम कहते हैं ए बी से प्रेजेंट रिप्रेजेंट होते हैं, इसमें ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट। ओके, दैट मींस ए ब्लड ग्रुप है, उसके लिए हमें एंटीबॉडी की चाहिए, बी एंटीबॉडी चाहिए, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वही लिखा है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, उसको या फैगोसाइटिस कहते हैं। इन केस ऑफ सम अगर यह डिजीज कॉजिंग जाते हैं तो यह उनको क्या कहते हैं, उनका यह फैगोसाइटोसिस करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई वॉर्म्स किया जाता है, वॉर्म्स वॉर्म्स सच एज दी पैरासिटिक वॉर्म, पैरासिटिक वॉर्म, तो यह उसका भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। एक बार रिविजन देख लेते हैं क्या, न्यूट्रोफाइल्स की बात की तो 70% होता है, ईओसिनोफिल 2 to 4% प्रेजेंट होता है, डायमीटर की बात करें तो डायमीटर सेम ही होता है, बट इनके अगर न्यूक्लियस में लोड की बात करें तो न्यूट्रोफिल 2 to 5 लोड होता है, वेयर एज दी ईओसिनोफिल 2 to 5 लोड, बट मोस्टली 2 लोड प्रेजेंट होता है, 5 लोड इन सम केसेस आर एक्सेप्शन ही होते हैं। इनमें ग्रेनुल्स की बात करें तो जनरली स्मॉलर ग्रेनुल्स होते हैं, बट इनके ऐसा ईओसिनोफिल देयर ग्रेनुल्स आर थिक एंड लार्ज होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो दोनों का जनरली फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस नेचर, बट इनके ऐसा ईओसिनोफिल एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में भी यह क्या करता है, हेल्प करता है, यह हेल्प करता है एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में। ओके, तो यहाँ पर एक न्यू फंक्शन आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, इसमें हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा टाइप था बेसोफाइल, बेसोफाइल इनके अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये 0 to 1% प्रेजेंट होते हैं, कितने 0 to 1% प्रेजेंट है, दैट मींस ये सेल में प्रेजेंट भी हो सकते हैं ब्लड में एंड अब्सेंट भी हो सकते हैं, दोनों केस हो सकता है। इनके भी अगर हम डायमीटर के बारे में बात करें, इनके हम डायमीटर के बारे में बात करें तो इनका डायमीटर 8 to 10 म्यूएम होता है, म्यूएम मींस माइक्रोमीटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, म्यूएम मींस माइक्रोमीटर। ओके,
मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, वन मीवम, ओके, वन मीवम इज इक्वल टू 10^-6 meter, ओके, वन मीवम इज इक्वल टू 10^-6 meter, आप ऐसे समझ सकते हैं मिली माइक्रो, दैट मीन मिलीमीटर कितना होता है 10^-6, दैट मिली के बाद आता है माइक्रोमीटर, दैट मीन 10^-6, ओके। इनके अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इनका न्यूक्लियस भी टू लोब्ड ही होता है, टू लोब्ड न्यूक्लियस होता है जो कि अगेन अटैच होते हैं, किससे, अगेन एक स्ट्रैंड से अटैच होते हैं, क्रोमैटिन स्ट्रैंड से, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन स्ट्रैंड से, क्रोमैटिन स्ट्रैंड अगेन, बट यहाँ पर स्ट्रैंड कैसा होता है, थिक होता है, यहाँ पर स्ट्रैंड कैसा होता है, थिक होता है, और इनके ग्रेन्यूल्स भी जो होते हैं, ग्रेन्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं, ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, इनका ग्रेन्यूल्स क्या होता है, लार्ज होता है। इनके हम फंक्शन के बारे में बात करें तो यह सिक्रीशन कुछ करते हैं, वन फंक्शन इज सिक्रीटरी, इन सिक्रीशन ये थ्री टाइप के कंपाउंड से करते हैं, सिक्रीट करते हैं, वन इज दी हिपेरिन, नेक्स्ट इज दी हिस्टामिन, अनदर इज दी सेरोटोनिन, ओके। यहां पर हम इनके मेजर फंक्शन बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हिपेरिन क्या है, हिपेरिन बेसिकली एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट एंड हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन कॉजेज इंफ्लेमेटरी फंक्शन, कॉजेज इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आर यू कैन सी दी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, that means hepatin, here another new term is the anticoagulant, coagulant means होता है to clot blood, that means blood का clotting कहलाता है anticoagulant, and blood का clotting कहलाता है coagulant, anti means opposite, that means to prevent blood clotting, that means रक्त को जमने से या कहता है रोकता है, जैसे कि हमारा blood क्या होता है, liquid form होता है, ये generally present होता है किसमें, अगर हम एक फेमस एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हिपेरिन लीज में मोस्टली प्रेजेंट होता है, लीज जिसको इन हिंदी क्या बोलते हैं, जोक बोलते हैं, उसमें मोस्टली प्रेजेंट होता है, ये हिपेरिन का मेजर फंक्शन है, एंटीकोगुलेंट एंड सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ये भी क्या मेजर फंक्शन है, सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन के बारे में, तो इनका मेजर फंक्शन बेस ऑफ सेल्स का क्या है, इन्हीं का सिक्रीशन करना। नेक्स्ट हम अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एग्रेनुलर टाइप में, एग्रेनुलर में आता है हमारा वन इज दी टी आर बी आर एनके सेल्स की जो कैटेगरी है, दैट मीन्स लिम्फोसाइट्स, दैट मीन्स लिम्फोसाइट्स, एंड अदर पार्ट इज दी मोनोसाइट, अनदर पार्ट इज दी मोनोसाइट्स, अनदर पार्ट इज दी मोनोसाइट्स, ओके। यहाँ पर हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं टी एंड बी सेल, दैट मीन्स लिम्फोसाइट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो लिम्फोसाइट्स में हमारा क्या आता है, टी बी एंड एनके सेल, एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल, एनके मीन्स व्हाट, एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल, तो अगर यहाँ पर हम बेसिकली इनके डायमीटर, इनके डायमीटर के टू पार्ट में कैटेगराइज किया, तो फर्स्ट हम डायमीटर को देखते हैं, 1 इज 6 टू 9 मीवम,
another is the 10 to 14 μm diameter. Okay, देखना यहाँ पर डायमीटर से कुछ इंटरेस्टिंग क्या 6 to 9 दैट मीन्स स्मॉलर 10 to 14 दैट मीन्स लार्जर दैट मीन्स टाइप ऑफ सेल कॉल अंडर 6 to 9 μm आर नोन एज दी माइक्रो लिम्फोसाइट एंड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट कॉल इन 10 to 14 μm नोन एज दी माइक्रो लिम्फोसाइट एंड बेसिकली इनका न्यूक्लियस के बारे में हम बात करें तो इनका न्यूक्लियस जो होता है वह कैसा होता है इनका न्यूक्लियस राउंड शेप होता है कैसा होता है इनका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट राउंड होता है आई कैन से स्लाइटली इंटेंड ओके मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना के कुछ बताऊंगा सपोज यह हमारा लिम्फोसाइट सेल है इसमें हमारा ये है न्यूक्लियस ओके ये हमारा न्यूक्लियस तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक क्रीम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो यह बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म फॉर्म अ रिम अराउंड द न्यूक्लियस ओके इनके अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो ये हेल्प करते हैं हेल्प टू बूस्ट इम्यून सिस्टम ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कहते हैं स्ट्रांग कहते हैं बूस्ट स्ट्रांग यहां पर मैं स्ट्रांग लिख देता हूं जनरेटर स्ट्रांग हेल्प टू स्ट्रांग इम्यून सिस्टम आर टू बूस्ट इम्यून सिस्टम ये हमारे इम्यून सिस्टम क्या कहते हैं स्ट्रांग बनाते हैं ओके एंड अनदर नेम इज दी ये हमारे या क्या कहते हैं दैट मीन्स हमने एक बात किया एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन को भी क्या कहते हैं मीडिएट करते हैं प्रोसीड कर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या कहते हैं टू मीडिएट एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बात करें यहाँ पर बी सेल अगर बी सेल के बारे में बात करें तो बी सेल डेवलप फ्रॉम प्लाज्मा सेल बी सेल कहाँ से डेवलप होता है बी सेल प्लाज्मा सेल से डेवलप होता है एंड सीक्रेट एंटीबॉडी का सिक्रीशन करता है टी सेल के बारे में बात करें तो टी सेल या फैगोसाइटोसिस वायरस बैक्टीरिया फंजाई वॉर्म्स आर एनीथिंग विच कैन कॉज ए डिजीज इन आवर बॉडी आर वन टर्म हम यहाँ पर और लिखते हैं ट्रांसप्लांटेड सेल्स का भी फैगोसाइटोसिस होता है यहाँ पर ट्रांसप्लांटेड सेल्स क्या है दैट मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कहीं पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम एक ऑर्गन को दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमने जैसे बताया प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को सिक्रेट करता है जो कि एंटीजन से बाइंड होगा इसी टाइप के सेल में सो अगर जो हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ उसका एंटीबॉडी कुछ डिफरेंट है या फिर आयुगन से उसका एंटीजन भी कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी में कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा या फिर जो इसका एंटीबॉडी होगा वो इसके एंटीजन को हार्म पहुंचा सकता है और जो इसका एंटीबॉडी वो इसके एंटीजन को क्या कर सकता है हार्म पहुंचा सकता है तो यहाँ पर इसलिए ये अगर सपोर्टेबल नहीं है तो ट्रांसप्लांटेड सेल्स को भी फैगोसाइटोसिस करते हैं और अगर हम बात करें एनके सेल की जैसे कि नेम डिनोट करता है नेचुरल एंड किलर सेल नेचुरल किलर सेल दैट मीन्स ये नेचुरली फिक्स है किसके लिए किलर के लिए किलिंग के लिए तो इनका एरिया क्या है बहुत ही वाइड है दैट मीन्स ये वायरसेस को भी वायरसेस
बैक्टीरिया, वर्म्स, या फिर अगर सेल्फ बॉडी के कुछ रिलीज कॉलिंग इम्प्लांट है तो उनके भी सेल्स को या कह सकते हैं किल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के बारे में हम बात करेंगे, लास्ट टाइप, दैट मींस मोनोसाइट्स। क्या बात है? मोनोसाइट। मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स बेसिकली आर 3 to 8% टोटल लिम्फोसाइट्स, टोटल लिम्फोसाइट्स सेल्स का 3 to 8% ओनली मोनोसाइट्स होते हैं। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें, इनके सेल के डायमीटर की, 10 to 12 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इनमें एक स्पेशल फीचर, जनरली इनके स्पेशल फीचर की बात करते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस या हॉर्स शू शेप्ड और किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? हॉर्स शेप्ड और किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। मैं डायग्राम से आपको डिनोट करता हूँ, आप लोगों ने बीन तो देखा होगा, बीन कैसा होता है? ऐसा होता है। किडनी भी कैसा होता है? ऐसा होता है। हॉर्स शू, शू मीन्स जूता, हॉर्स पर जो शू होता है उसके बारे में बात करें तो वो जनरली ऐसा होता है, हॉर्स, ऐसा होता है हॉर्स। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है? हॉर्स शेप्ड और किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। ये वेरिएंट वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉर्स शेप्ड इनका न्यूक्लियस होता है। इनके साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका साइटोप्लाज्म फोमी अपीयरेंस होता है, फोमी जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है? फॉर्म के जैसा, आपने फॉर्म तो देखा होगा, तो उसे इसका साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म का भी वैसा ही अपीयरेंस होता है। ओके, इनके हम नेचर के बारे में बात करें, फंक्शन के बारे में बात करें तो इनका भी फंक्शन है मोनोसाइट्स का भी फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। क्या फंक्शन है? फैगोसाइटोसिस। इनका भी फंक्शन क्या है? इनका भी फंक्शन है फैगोसाइटोसिस करना। बट यहाँ पर टू टर्म आएंगे, क्या ये फैगोसाइटोसिस कब होते हैं? आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग। यानी हम यहाँ पर टू टाइप के बारे में बात करते हैं, वन इज द फिक्स्ड, अनदर इज द वैंडरिंग, अनदर इज द वैंडरिंग। फिक्स्ड एंड वर्ड वैंडरिंग, दैट मीन्स यहाँ पर ई एस एल क्या हो गए? ट्रांसफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म इंटू फिक्स्ड आर वैंडरिंग मैक्रोब का जो मैक्रोफेजेस, वन इज द फिक्स्ड एंड अदर इज द वैंडरिंग। दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्म होते हैं टू टाइम में, फिक्स्ड एंड वैंडरिंग मैक्रोफेजेस में। फिक्स्ड एंड वैंडरिंग मैक्रोफेजेस क्या है? तो यहाँ पर फिक्स, दैट मीन्स सम मोनोसाइट आर स्पेशलाइज्ड फॉर सम ऑर्गन वेयर दे वर्क ओनली ऑन दैट प्लेसेस इन दैट ऑर्गन। एग्जांपल के थ्रू हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल रेटिक्लोसाइट, रेटिक्लोसाइट, रेटिक्लोसाइट सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर लंग्स ओनली वेयर मोनोसाइट्स transform into reticulocytes and function only and only there. Okay, that means in lung. But in case of wandering macrophages, then any part in our body get wound or आपके body में कहीं भी cut हो गया है, तो वहाँ पर monocytes transform होकर क्या बनाते हैं? Wandering cells। जो wandering cells क्या करते हैं? केवल उस site पर जो कि immediately cut हुआ है, वहाँ पर या फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। तो ये था WBCS
के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट डिनोट कर लें। एंड यहाँ पर इसका किडनी कॉन्सेप्ट जो होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।